गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी शाहना परवीन, योर साइंस टीचर हियर टू कंटिन्यू योर चैप्टर नंबर सेकेंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन विच यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट दैट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट फूड प्रिजर्वेशन, के हाउ वी शुड प्रिजर्व आर फूड. यस स्टूडेंट्स, एंड वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आर फूड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे. फूड ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारा फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं. और स्पॉइल फूड जो होता है, कल मैंने आपको बताया था, क्या फूड पॉइजनिंग कर देता है, क्योंकि स्पॉइल फूड में क्या प्रोड्यूस होता है, बैड स्मेल होती है एंड बैड टेस्ट होता है, और जिसकी वजह से वो डिसकलर्ड हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है खाने का. एंड वी कैन प्रिजर्व रॉ फूड मटीरियल्स एंड कुकड फूड मटीरियल्स बाई अप्लाइंग सम मेथड्स. हम डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से पके हुए फूड को और कच्चे फूड को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं. जैसे हम जानते हैं कि मॉइस्चर जो होता है ना, वन ऑफ द मेन रीज़न होता है माइक्रोबियल ग्रोथ का. जहाँ नमी होती है वहाँ पर आप देखते हैं वहाँ छोटे छोटे कीड़े भी हो जाते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, बहुत स्मॉल की और माइक्रोब्स जो हमें दिखाई भी नहीं दे सकते, हमें नेक्ड आई से ही नहीं दिखाई दे सकते हैं, वो भी वहाँ पर हो जाते हैं. तो रिमूवल जो होगा वाटर का इज़ एन एफिशिएंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. सबसे पहली बात क्या है, अगर आप अपने फूड को प्रिजर्व रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पानी को वहाँ से रिमूव करेंगे. दालें हैं जैसे स्पाइसेस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और अदर फूड आइटम्स हैं, कैन बी डिहाइड्रेटेड बाय ड्राइंग दीज इन सनलाइट. हम क्या कर सकते हैं, अपनी दालों को, मसालों को, ड्राई फ्रूट्स को पहले हम धूप में सुखाएंगे ताकि उनमें से जो भी पानी की क्वांटिटी है वो ख़त्म हो जाए, सो दैट वो ख़राब ना हो. तो जो प्रोसेस होती है रिमूवल ऑफ वाटर की फ्रॉम अ सब्सटेंस इज़ नोन एज डिहाइड्रेशन. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन कहा जाता है. तो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, फूड को अपने प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है, ये देखिए, ये हम इन सब चीज़ों को अगर धूप में सुखा लेंगे, जो भी आपके सामने इंग्रेडिएंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्या होगा, इनमें नमी तो होगी नहीं, जब नमी नहीं होगी तो इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होंगे और इससे हमारा फूड स्पॉइल नहीं होगा, हम लंबे समय तक इन्हें यूज़ कर सकते हैं. और अगर ये स्पॉइल हो जाते हैं तो क्या होगा, बेकार है, फेंकने पड़ते हैं, इतनी कॉस्टली होती हैं सभी चीज़ें. बॉइलिंग फूड आइटम्स कैन किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. अगर हम फूड आइटम्स को बॉयल करके रखेंगे तो भी उनके माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो नहीं होगी, है ना. तो मिल्क और वाटर कॉमन एग्जाम्पल है फूड आइटम्स का दैट आर बॉयल टू किल माइक्रोब्स. हम क्या करते हैं, मिल्क को, वाटर को गर्म करते हैं ताकि उनके अंदर के माइक्रोब्स मर जाएँ. कुछ एक अदर मेथड है जिसे हम पाश्चराइजेशन कहते हैं. पाश्चराइजेशन क्या है, विच इज़ यूज टू प्रिजर्व द मिल्क विदाउट बॉइलिंग इट. बिना बॉयल करे हम फूड को प्रिजर्व कर सॉरी मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसे हम पाश्चराइजेशन कहते हैं. इसमें क्या होता है, मिल्क को जो है हीटेड किया जाता है अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 30 सेकेंड, बहुत कम समय के लिए, इतने डिग्री सेल्सियस पर हम उसे हीट करेंगे एंड देन चिल्ड एंड स्टोर. उसके बाद बिल्कुल उसे ठंडा कर देंगे और इसे स्टोर कर देंगे. इससे क्या होगा, ग्रोथ जो होगी ना माइक्रोब्स की वो नहीं होगी, है ना. तो ये जो प्रोसेस है वो किसने, लुईस पाश्चर जो थे साइंटिस्ट, 1857 में इन्होंने डिस्कवर की थी ये प्रोसेस. इसलिए इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहा जाता है, कि उनके नाम पे ही इसको दिया गया पाश्चराइजेशन, बाकी अलग से कोई मीनिंग नहीं है इसका. पाश्चराइजेशन जो है लुईस पाश्चर के नाम पर ही रखा गया है. कॉमन सॉल्ट भी यूज़ किए जाते हैं, आपने देखा होगा अपने अचार में हम क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा वो डालते हैं, क्या होता है उसमें, सॉल्ट डालते हैं, तो सॉल्ट प्रिजर्व करवाता है अचार को, है ना. तो इसीलिए मीट और फिश पर भी सॉल्ट लगाया जाता है. मीट एंड फिश को कवर किया जाता है विद ड्राई सॉल्ट से टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो. सॉल्ट यूज़ किया जाता है टू प्रिजर्व रॉ मैंगोज, कच्चे मैंगोज के लिए, है ना, आंवला के लिए, टैमरिन के लिए, इमली, है ना, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट का यूज़ किया जाता है. जैम्स, जेली, स्क्वैशेज, ये कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं, शुगर की वजह से, है ना, बिकॉज शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट. शुगर क्या करेगा, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया नहीं होगी. और क्यों, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया तो स्पॉइल करते हैं फूड को. इस तरह के जो फूड आइटम्स है पैक्ड होते हैं इन एयरटाइट कंटेनर में विच रेजिस्ट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स. फिर हम इन्हें क्या करेंगे, इन्हें एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे ताकि वहाँ पर एंट्री ही ना हो, ना मॉइस्चर जाए, ना हवा जाए, ना ही वहाँ पर माइक्रोब्स फिर वहाँ पर ग्रो करेंगे. फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बहुत सारी बीमारियां होती हैं ह्यूमन बीइंग में, है ना. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग में और एनिमल्स में. इस तरह के जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है. जो डिसीज़ करवाते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं. पैथोजेंस क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं एयर के थ्रू जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वाटर के थ्रू जब हम उसे पी रहे हैं, या फिर कैरीड थ्रू एन एनिमल, या फिर खाने की वजह से भी हमारी बॉडी में चले जाते हैं खाने के साथ. तो इस
तरह की जो डिसीज़ होती हैं वो कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती है, मतलब फैलने वाली, एक से दूसरे को फैल जाती हैं, चाहे वो कोई भी मेथड हो फैलने का, चाहे वो पानी हो, खाना हो, टच से हो, पास बैठने से हो। तो वो डिसीज़ जो एक पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन से दूसरे अनहेल्दी पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को हो जाती है तो वो कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती हैं, जैसे कि कॉलरा यानी कि हैज़ा, कॉमन कोल्ड हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, टीबी हुई, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये सब कैसी डिसीज़ है? कम्युनिकेबल, मतलब एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाती है, चाहे स्प्रेड का मेथड, फैलने का तरीका कुछ भी हो, बट ये फैलती हैं एक से दूसरे को। और जब कोई पर्सन सफरिंग कर रहा है कॉमन कोल्ड से, वो छींकता है तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर के साथ क्या होती है, थाउजेंड ऑफ वायरस हवा में फैल जाते हैं। ये वायरस एंटर करते हैं हेल्दी पर्सन में जब वो सांस लेगा, ठीक है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं आजकल जो वायरस है वो इसी तरीके से फैल रहा है। वायरस ऐसा नहीं है कि पूरी हवा में ऐसे ही घूमा हुआ है, अगर आप उसके आसपास हैं, दूरी रहने के लिए इसे बोला गया है, क्योंकि वो सामने वाला बंदा छींकेगा, अगर उसको वो डिसीज़ है, वो वायरस से कॉज्ड है, तो वो आपको भी हो जाएगा। कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं जो एक्ट एज ए कैरियर्स ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, खाने पे बैठ जाते हैं हमारे, है ना, हमारे खानों को स्पॉइल कर देते हैं, क्योंकि वो डिसीज़ कॉज करेंगे। हाउस फ्लाई क्या करेगी, सिट करेगी, कूड़ा गंदगी पे बैठ जाती है, या फिर एनिमल का जो एक्सक्रीटा वेस्ट मटेरियल होता है उस पे बैठ जाती है। तो ये जो पैथोजन उनकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, फिर वो जो हमारी अनकवर्ड फूड जो रखा होता है उस पर आकर बैठती है, तो वो पैथोजन वहाँ ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस तरीके से ये हाउस फ्लाई भी जो है बहुत सारी बीमारियाँ फैलाती हैं। इस तरह का जो कंटामिनेटेड मीन्स होता है इसमें अशुद्ध, है ना, जो अशुद्ध फूड होता है वो कॉज ऑफ डिसीज़, बीमारी का कारण होता है। फीमेल मॉस्क्यूटो जो होती है जिसका नाम एनाफ्लीज है, वो क्या कैरी करती है, वो प्लाज्मोडियम माइक्रोब है ना, पैथोजन है, ये पैरासाइट है मलेरिया का। ये एक जगह से दूसरी जगह कौन फैलाती है, फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एडस कौन फैलाती है मॉस्क्यूटो, ये कैरियर है डेंगू वायरस का, ठीक है। तो जितने भी मॉस्क्यूटो होते हैं वो ब्रेड इन वाटर, ये कहाँ पैदा होते हैं, इनकी ब्रीडिंग कहाँ होती है, ब्रीडिंग यानी कि इनकी पैदावार वो पानी में होती है। तो वी शुड चेंज वाटर ऑफ कूलर का वाटर हमें चेंज कर देना चाहिए, एंड चेक द प्लेसेस वेयर वाटर कैन बी स्टोर। और पानी ना कहीं भी स्टोर नहीं होने देना है घर में, क्योंकि जहाँ पानी स्टोर होगा वहाँ आप देखते भी हैं ये सब बीमारियों की, ये सब ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो वाटर शुड बी कीप इन क्लोज कंटेनर, वाटर को हमें क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए, ओपन कंटेनर में रखना नहीं चाहिए। आपके लिए इतना ही आज स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर।